आज है संडे और साथ में है 15 अगस्त, तो आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और हस्बैंड जो थे तो ऑफिस से आज जल्दी आ गए थे, और इसके बाद सोचा कि एक लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं, तो हम चारों लोग निकल गए थे लॉन्ग ड्राइव के लिए। क्योंकि बेटा भोपाल से आया है, करीब 10 दिन उसको हो गया है, लेकिन उसको कहीं भी घुमाने हम लोग नहीं ले जा पाए थे, क्योंकि उसके पैर में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी जिसके कारण कि वो ठीक से चल नहीं पा रहा था, तो इसलिए वो कहीं घूमने नहीं गया। तो सोचा कि चलो थोड़ा सा बस यूं ही एक राउंड लगा के आते हैं। तो हम चारों लोग निकल गए थे और काफ़ी मज़ा आया था। कुछ खास हम लोगों ने नहीं किया था, बस एक खेत पे थोड़ी देर के लिए रुके थे जहाँ पर कुछ करौंदे वगैरह लगे थे, तो उनको तोड़ा और थोड़ी देर रुक के इंजॉय किया था, और फिर हम लोग घर चले आए थे। ज़्यादा से ज़्यादा 1.5-2 घंटे हम लोग बाहर रहे, लेकिन काफ़ी मज़ा आया। और उसके बाद हम लोगों को घर आके आज बनाने थे कंडे पर कंडे, या उसको उपले भी कहते हैं, उस पर बनाएंगे ककड़ियाँ और भरता। हम लोगों के यहाँ ककड़ियाँ मतलब रोटी और भरता बनाएंगे। तो इस तरह से देखिए हम लोग लौट आए थे, और इधर पर काफ़ी करौंदे का आपको पेड़ दिखा दें कि किस तरह से करौंदे भर के लगे थे, जिसके कारण कि जो पेड़ था तो काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। तो बस हम लोग फिर आ गए थे 5-5:30 बजे करीब घर पे। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी शाम के 6:30 का टाइम हो रहा है, और बस अभी एक लॉन्ग ड्राइव से हम लोग आए हैं, क्योंकि बेटा भोपाल से आया है, तो बस थोड़ा सा यूं ही एक राउंड लगा के और आए हैं। और बस अभी जो है तो डिनर की तैयारी कर रहे हैं, और आज डिनर में कुछ स्पेशल कर रहे हैं। इधर पर हम लोगों ने कंडे में आज भरता और ककड़ियाँ, जो कि बुंदेलखंड में ककड़ियाँ और भरता कहते हैं, तो वो बनाने जा रहे हैं। तो पूरा कंडे वगैरह हमने जला लिए हैं, और उसमें अब बैंगन टमाटर और आलू को हम लोग भून लेंगे, और उसके बाद उसका भरता बनाएंगे और रोटी बनाएंगे। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है इधर पर। और देखिए पीछे थोड़ा बहुत सा जो है तो हमने इसको बीजे वगैरह भी लगाए हैं कुछ इधर पर, तो वो भी अभी आपको दिखाएंगे कि कुछ बीजे जो हैं जैसे मिर्च वगैरह के, तो वो थोड़े बहुत निकल आए हैं। और इसको जो अभी बाहर का एरिया है, तो इसको धीरे धीरे करके हमको सही करना है। तो अभी थोड़ा सा एरिया साफ़ किया है, और साथ में जो बीजे लगाए हैं तो वो आपको दिखाते हैं, मिर्च के लगाए हैं, काफ़ी अच्छे से निकल आए हैं। और बस फिर एक किसी वीडियो में आपको इसका पूरा दिखाएंगे कि किस तरह से हमने ये एरिया साफ़ किया, और किस तरह से इसमें बीज वगैरह है तो जो लगाए हैं। तो चलिए बस आज तो इंजॉय करते हैं और बनाते हैं अपना ककड़ियाँ और भरता, तो वो आपको दिखाते हैं कि किस तरह से हमने बनाए हैं। इधर पर मिर्च के बीज लगाए थे, जो कि 8 से 10 दिन में बहुत अच्छे से निकल आए थे। जब ये थोड़े बड़े हो जाएंगे तो इनको अलग अलग हम निकाल के लगा देंगे। और इधर पर देखिए कंडे या गोबर के जो उपले होते हैं, तो उनको इधर पर हम लोगों ने तोड़ लिया था, और इसमें हमने अच्छे से इनको जला लिया था। जब ये बहुत अच्छे से जल जाते हैं, उसके बाद ही देखिए बहुत अच्छे से जल गए थे, क्योंकि बिल्कुल सूखे हुए उपले थे। जब ये उपले बहुत अच्छे से जल जाते हैं, तो उसके बाद जो हम लोग बैंगन वगैरह लिए थे, तो उसमें छेद करके और उसमें लहसुन अंदर डाल दिया था। लहसुन अंदर डालने से क्या होता है कि इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो इस तरह से देखिए इनको चाकू से कर दिया था, और उसके बाद उसमें लहसुन डाल दिया था। ऊपर से इसमें सरसों का तेल भी लगाया था, जिसके कारण कि ये इसकी जो ऊपर की स्किन होती है, तो जब छीलते हैं तो बहुत अच्छे से ये छिल जाते हैं। तो देखिए बस इधर पर हमने टमाटर आलू और बैगन जो थे तो इनको भूनने के लिए रख दिया था। हाँ थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन काफ़ी अच्छा लगा था, काफ़ी मज़ा आया था। तो इस तरह से देखिए जितने भी बैगन आलू और ये थे, और बेटा इधर पर बैठा हुआ था, और साथ में देखिए इस तरह से सब रख दिए थे, और सब भुन गए थे काफ़ी अच्छे से। और आज का जो दिन था तो काफ़ी मज़ा आया, और बस कुछ खास नहीं किया था। सुबह भी बस यूँ ही निकल गया था, क्योंकि बेटा 1-2 दिन में जाने वाला है। और बस इधर पर देखिए कितने अच्छे से टमाटर और साथ में बैगन वगैरह भुंज के तैयार हो गए थे। आलू भुनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, और इधर पर बेटा देखे प्लांट्स में पानी दे रहा था, तो और अंधेरा भी होने लगा था थोड़ा थोड़ा सा। तो इस तरह से काफ़ी टाइम हो गया था हम लोगों को, जब इस तरह का कोई काम करते हैं तो थोड़ा तो टाइम लगता ही है, और काफ़ी अंधेरा हो गया था। और ये देखे इधर पर सारे जो हमारे बैगन आलू टमाटर वगैरह थे, तो वो भुंज के बहुत अच्छे से तैयार हो गए थे।
आटा वगैरह भी पहले ही गूंथ के हमने रख लिया था। और देखिए धब्बर ये हो जाने के बाद इसकी जितनी भी राख थी बैगन वगैरह की, तो उसको इस तरह से झाड़ के हमने अलग कर दी थी और बस छील लिया था। इधर पर सारी चीज़ें अच्छे से हो गई थी, आलू तो बहुत अच्छे से पक के तैयार हो गया था। तो चलिए अब देखते हैं कि इसको हमको बनाना कैसे है। ये बनाने में बहुत आसान होता है और खाने में उतना ही टेस्टी होता है। तो देखिए इस तरह से ऊपर का सब कुछ निकाल के अलग कर दिया था और आज का जो पूरा ही दिन था तो वो काफ़ी अच्छा गया था, काफ़ी हम लोगों ने इन्जॉय किया था। सुबह टाइम भी बेटे ने जो था तो आलू के पराठे बनाए थे, सिर्फ हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया था, उसके बाद लंच वगैरह नहीं किया था। तो इधर पर देखिए ये सब भूंज के तैयार हो गए हैं, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं, देखते हैं कि इसको बनाना कैसे है। इधर पर हमने कुछ हरी धनिया, फ्रेश हरी धनिया ली थी और साथ में लिया है मिर्च, हरी मिर्च, और ये यदि तीखी सी चटनी बनती है तो काफ़ी टेस्टी लगती है। और इधर पर लिया है खड़ा नमक, खड़े नमक से अगर आप इस चटनी को बनाते हैं तो काफ़ी टेस्टी बनती है। और बस इनको हमको पीस देना है। इधर पर बहुत अच्छे से सारे टमाटर, आलू और बैंगन को मैश कर दिया था इस तरह से कि बिल्कुल इसमें गुठली वगैरह ना रह जाए। और देखिए इधर पर पूरी तरह से अंधेरा हो चुका था और इसमें मस्टर्ड ऑयल जो है तो आप ज़रूर डालिए, इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। और भरते में तो मस्टर्ड ऑयल या कोई भी भरता आप बनाते हैं आलू का या किसी भी चीज़ का, तो उसमें मस्टर्ड ऑयल को ज़रूर डालें। और इधर पर देखिए इस तरह से ककड़ियाँ बनाना शुरू कर दी थी, रोटियाँ जो कि हाथ से बनाई थी, ज़्यादा अच्छे से तो नहीं बनती लेकिन फिर भी बहुत अच्छे से बन के तैयार हो गई थी देखिए। और इनको थोड़ा सा छोटा बनाना पड़ता है जो कि काफ़ी अच्छी लगती हैं। और इधर पर रोटियाँ बन के पहले काफ़ी बना के रख ली थी, फिर उसके बाद जो था तो उपले में उसको डाला था क्योंकि सिकने में भी इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो देखिए इधर पर हमारी जो प्लेट है तो वो लग के तैयार हो गई है। तो बताना आपको है कि आज का हमारा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।